Okay, we are back again. Determine the voltage V node in the circuit. ये circuit देखा है, इसमें V node की value find करनी है हमें. ये एक magnetically coupled circuit है. तो इसको कैसे solve करते हैं? क्या करना होगा? हम क्या करेंगे? पहले इसका equivalent circuit draw करेंगे, then हम उसको solve करेंगे. तो equivalent circuit draw करने के लिए मैंने कहा जो coupled circuit हो, जो coupled inductors होते हैं, उनके series में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाता है बस. ठीक है, बस मैं वही करूंगा. देखो मैं पूरा सर्किट एज इट इज बनाऊंगा, बस जो कपल्ड इंडक्टर्स हैं उनके सीरीज में डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है. ठीक है, उसकी पोलरिटी कैसे लेनी है और कैसे इसकी क्या वैल्यू होगी उसकी, वो सब अभी बताता हूं मैं. इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं. सिक्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वोल्ट. ठीक है, ये हमारा 4 ओम. नेक्स्ट ये है जे 8 ओम, इसको भी ड्रॉ करो ऐसे ही. इसके सीरीज में ये वोल्टेज सोर्स लगाओ और बाकी का एज इट इज ड्रॉ करो. 10 ओम ये वी नोट, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई टू. ये है जे 5. ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिए. अब क्या होगा, इनकी वैल्यू और निकाल दो जितने वोल्ट का ये है. तो यहां पे क्या करना है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा जे वन, इस वाले इंडक्टर के लिए निकालना. ठीक है, इसके लिए यानी तो इसके जो नेबर वाला यानी पड़ोस वाला उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखो इससे ये वाली आई टू करंट फ्लो हो जाएगी तो आई टू की मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे इस वाले के लिए लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस जे वन, इसके जो बराबर में उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखो ये वाली आई वन. ठीक है, वो कैसे फ्लो हो रही है हमें इससे मतलब नहीं है. ठीक है, बस हमें करंट देखनी है कितनी फ्लो हो रही है. अब देखो वो सब चीज पोल्ट्री में आ जाएगी. अब पोल्ट्री कैसे डिसाइड करते हैं, ये आई वन करंट फ्लो हो रही है, बस पोल्ट्री और डिसाइड करना रह गया. पोल्ट्री डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं करंट जो है ये डॉटेड टर्मिनल्स है उसमें देखना करंट एंटर कर रही है या लीव कर रही है. देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये I1 जो इस वाले इसमें ऐसे करके आएगी एंटर करेगी. ठीक है, I1 तो एंटर करेगी, I2 क्या होगा ऐसा आएगी उसमें एंटर करेगी, ये एंटरिंग है. ठीक है, तो दोनों जगह क्या हो रही है, एंटर कर रही है करंट. तो जब व्हेन करंट एंटर्स इन बोथ डॉटेड टर्मिनल्स देन पोलैरिटी विल बी टेकन, कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव. किस आप पॉजिटिव नेगेटिव भी कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसी उसमें करंट फ्लो हो रही है. ठीक है, उस डायरेक्शन में. ये तो इंपॉर्टेंट नोट, इसको याद रखने ना. अगर दोनों जगह एंटर करे या दोनों जगह लीव करे तो हमें साइन कैसे लेना, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर इसके अपोजिट हो रहा है तो हमें साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव. तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे करंट आ रही है तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ऐसे जा रही है तो पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव. ठीक है, बस इतना करना था और कुछ नहीं. बस अब इसके लिए लगाओ, पहले मैं इसके लिए लगाता हूँ केवीएल. ये कितना हो जाएगा, जे वन आई वन प्लस जे फाइव प्लस टेन आई टू. यहाँ से जाओ आई टू को, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई टू की. ठीक है, तो आई वन की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से आई वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे किसका, 10 प्लस जे फाइव आई टू अपॉन माइनस जे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 जे जे 10, ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, ये आ गया इतने आई टू. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले में केवीएल लगा ये हो जाएगा माइनस सिक्स, 4 प्लस जे 8 आई वन, और यहाँ पे पहले प्लस साइन आ रहा जे वन आई टू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जे सिक्स. ठीक है, ये
प्लस 4 प्लस जे 8, आई वन की वैल्यू कितनी आई है, जे 10 माइनस 5 आई 2 प्लस ये बचेगा जे 1 आई 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको सोल्व करेंगे तो I2 जो आएगा हमारे पास सोल्व होके, मैं उसको फाइनल लिखता हूँ, I2 जो आएगा हमारा वो आएगा J6 अपॉन माइनस 100 प्लस J। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं फेजर में चेंज कर लेता हूँ। तो इसको जब मैं फेजर में चेंज कर, अभी इतना ही रहने दो, मुझे V नोट निकालना है। यहाँ पे देखो V नोट जो होगा वो कितना हो होगा 10 इंटू आई टू, ठीक है, वी कस टू आई आर ना, 10 ओम है और उसमें करंट आई टू है, तो वी नोट जो हमारा वी नोट की हमसे वैल्यू पूछ गई है वो होगा 10 आई टू। तो 10 किस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये J60 अपॉन माइनस 100 प्लस जे। अब इसको इसको अब फेजर में चेंज करके लिख दो, ठीक है। तो फेजर में इसको जब चेंज करेंगे देखो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 60 और जे की वजह से एंगल हो गया 90। इसका इसका इसके लिए लिखो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंगल क्या क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 100। ठीक है, जब इसको देखो 100 का स्क्वायर प्लस 1 कोई 1 तो इसके कंपेयर में नेगलिजिबल है, तो 100 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 100 का स्क्वायर यानी 100 बचेगा यहाँ पे इससे रूट से बाहर आने के बाद। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ उसको, ये कितना बचेगा एंगल 90 माइनस 180 प्लस 10 इनवर्स 1/100, 10 इनवर्स 1/100 एंगल कितना देगा अबाउट बिल्कुल 0 डिग्री। ठीक है, तो 90 ये कितना आ जाएगा वी नोट जो आ जाएगा हमारा ये आ गया 0.6, ये बचेगा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट, वी नोट की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0.6 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री वोल्ट। ठीक है, तो वी नोट की वैल्यू देखो हमने कैसे निकाली, काफ़ी आसान है, बस मैंने कहा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना सीख लो और पोलैरिटी देखना सीख लो। ठीक है, बस पोलैरिटी देनी आ गई तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो भाई KVL KCL लगाना उसके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।